वाक्य बताता हूँ। एक साहब सफर पे जा रहे थे, उसकी वाक्य बयान करके बता के बयान खत्म कर। एक साहब सफर पे जा रहे थे तो एक खातून, ये सच्चा वाक्य है, खातून बैठी हुई है, आंखें खुली हुई है, सिर्फ पूरा जिस्म बुरके से ढका हुआ, आंखें तो पास बूढ़ी औरतों की भी बड़ी अट्रैक्शन होती है, उसको इनको नहीं पता था क्या है। तो ये फ्री होने लगे उनसे, ये खुद बता रहे हैं बात, तो खिदमत कर रहे हैं, बार बार पानी ला के दे रहे हैं, खुशकिस्मत समझ रहे अपने आप को कि मुझे सामने सीट मिल गई, कितना खुशकिस्मत, और वो भी भुन्नी बनी हुई मुकम्मल फ्री हो रही, सारे काम करवाए पूरे रास्ते, पानी ले आओ, खाना ले आओ, इन्हीं के खर्चे पे तबीयत से उन्होंने भी निचोड़ लिया है। कहते हैं जब हम मुल्तान पहुंचे तो मैंने पूछा कि आप जा कहां रही हैं, उन्होंने कहा सरगोधा मेरे नवासी की शादी है, सरगोधा में मेरी नवासी की, उसके बाद से पानी का पूछना, बुरके का ये मतलब, बुरके में नहीं पता होता भाई, इसलिए लोग रिस्क नहीं लेते यार, अंदर से कोई जूता ना आ जाए, कोई थप्पड़ ना। तो मजहब ने जो पाबंदियां लगाई है ठीक है, वो टेंशन है, लेकिन उसमें आपका फायदा है। और वो जो खातून समझ रही होंगी कि मैं इस आदमी का नंबर लेके मैं बड़ी हंसी खुशी जिंदगी गुजारूंगा, ऐसा नहीं, उस आदमी को पता होगा कि जो औरत अपने शोहर की नहीं बन सकी वो मेरी भी नहीं बनेगी, वो भी टाइम पास है, तो टाइम पास करने के लिए इश्क माशके के दावे करेगा, जहां आपका हुसन थोड़ा सा ढलका वो टिश्यू पेपर जैसे इस्तेमाल से पहले बड़ा खूबसूरत और इस्तेमाल के बाद कहां फेंका जाता है, डस्टबिन में फेंकेगा वो। आप इनकी भी जिंदगी तबाह हो रही है, उस आदमी की भी जिंदगी तबाह हो रही है, एक बेपर्दगी और गैर जरूरी आजादी की वजह से, गैर जरूरी आजादी, इतने ब्रॉड माइंडेड मेरे भाई बनने की चिंता जरूरत, थोड़ा सा लिमिट में रहा करो अपना। देखो लिखा होता ना लिमिटेड कंपनी हो गया, वो उनकी भी कोई लिमिट है, बिल्कुल आजादी ठीक नहीं है। और अब्बा जो पाबंदियां लगाते हैं तो पाबंदियों को दिलो जान से कबूल किया करो, इसमें बहुत ज्यादा, मेरे घर में अगर मेरे ऊपर बहुत सारी पाबंदियां आने लगती तो आज मैं यहाँ मेंबर पे नहीं बैठा हूँ। मेरा अपा अगर मुझे कहते जाए यार तेरी लाइफ एंजॉय कर, उस वक्त मैं कहता मेरे अपा बहुत अच्छे हैं यार, मुझे तो याद है हम तो दर्जनों दफा पिटे हैं अपा से, एक दिन खेलते कूदते रात को लेट आए, अपा ने तबीयत से भून दिया, ये कोई टाइम है आने का, उस वक्त तो बहुत गुस्सा आया कि यार हमने क्या अपा ही कूट रहे हैं पीट रहे हैं, बाकी हो गया अपा तो कुछ नहीं कहते हैं, अपा ने कहा कोई टाइम है आने का भाई घर में, मैं कितनी दफा गए इतने बजे घर आ जाएगा, ये कोई टाइम है आने का, लेकिन अप्पा अगर ना कूटते पीटते मेरे भाई तो आज हम यहाँ मेंबर पे नहीं बैठे, क्योंकि छोटा मोटा लगा रहे होते किसी के साथ बैठकर, ऐसा ही हो रहा होता। ये तो बाप के अच्छा होने की अलामत है कि उसको आपकी फिक्र है, वो चाहता है क्या। देखो बाप की ये आदत, बस एक छोटी सी बात करता हूँ, किसी ने कहा कि दोस्त ये चाहता है कि आप उससे नीचे रहें हमेशा, दोस्त क्या चाहता है आप उसके बराबर भी ना आए, हसद का शिकार हो जाता है, कह रहे आप तरक्की करें मगर इतनी नहीं कि मेरे बराबर आ जाए, थोड़ा सा मुझसे नीचे। भाई ये चाहता है कि आप उसके बराबर आ जाए, इल्ला ये कि कोई बड़ा ही खानदानी भाई हो, नॉर्मल ऐसा होता है कि आप उसके बराबर आ जाए, उससे आगे निकलेंगे तो उसको हसद शुरू होने का खतरा होता है, बाप ये चाहता है कि ये मुझसे दो कदम आगे, समझते नहीं हो बात, इसलिए अप्पा की जो डांट टपट ये क्या कर रहा है तमीज नहीं है इनको बर्दाश्त किया करो, इससे आप ये चीज़ें आप, और अल्लाह भी तो मदद करेगा ना, अल्लाह कहेगा बाप की बर्दाश्त करता है तो उसकी भी मदद शामिल है।